Yeah, check. Whoa, damn, 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 damn. So hello guys, I'm Rohir. तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो से. तो मार्केट में सुना है कोई नया बवासीर आया है बवंडर लेकर. तो पहले वो बवासीर का बवंडर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो पर. मैं एक मारूंगा तुझे 360 पे घुमा दूंगा, आसमान से धरती तक का नाप तेरे बेचे में घुसा दूंगा. मेरे अंदर के बवंडर से फिटने की कोशिश मत करना, वरना बवंडर लाके तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा. ए ट्रिगर इंसान, अरे ओ ट्रिगर चेले, तेरी सर्विस मैं करूंगा. अकेले मेरे को हथौड़ा दो, हथौड़ा दो. मैं इनकी टांगों को तोड़ूंगा, सर मैं फोड़ूंगा. अपनी चैटिंग की कसम इनको मैं नहीं छोड़ूंगा. मारूंगा जोन सा भी बीच में आएगा, उसको धरती में गाड़ूंगा. एक एक करके मैं सबकी पाड़ूंगा. बवंडर 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 बवंडर. अरे मैया, तू क्या देख रही हो? ये गाना सुन के तो बस एक ही बात करना चाहूंगा, ओ भाई मारो, मुझे मारो. अगर भाई प्रोडक्शन तो बस अच्छा था, बस लिरिक्स, ओ लिरिक्स, ऑस्कर, ऑस्कर ए आर रहमान, हम लोग को ए आर रहमान मिल चुका है. सीरियसली गाइस, हम लोग को ए आर रहमान मिल चुका है. थारा भाई जोगिंदर ऑस्कर लेके आएगा. थारा भाई जोगिंदर ऐसा ऑस्कर लाएगा किसी ने सोची नहीं होगी. थारा भाई डाउन था, सोचा थोड़ा दूध ही पी ले. यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर आज ले आया दूध, और इस पतीली का सारा दूध पी जाऊंगा एक ही सांस में. इस लॉकडाउन में इतना दूध पी जाऊंगा सोची नहीं होगी. ये एक लुटा पानी है थारा भाई जोगिंदर, आज ये पूरा लुटा पानी एक सांस में पी जाएगा थारा भाई जोगिंदर. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. और ढिंचक पूजा टोनी कक्कर क्या है इसके सामने? कुछ भी तो नहीं. ये है हम लोग का नया लेजेंड, नया बवासीर बवंडर. तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये थारा भाई जोगिंदर का अंदर टैलेंट क्या है. तो इसके लिए हम लोग अभी केबीसी खेलेंगे. तो केबीसी की शुरुआत किया जाए. A few moments later. तो गाइस, मैं बन चुका भी अमिताभ बच्चन, और शुरुआत करते हैं. क्या बनेगा करोड़पति? नहीं बल्कि क्या जानेगा जोगिंदर का टैलेंट? और चलिए शुरू करते हैं. मैं अमिताभ बच्चन, आज का ये पहला सवाल कि थारा भाई जोगिंदर के अंदर क्या टैलेंट है? आपका ऑप्शन नहीं, ए उसके सीने में बहुत दम है इसलिए वो थारा भाई जोगिंदर कहता है. ऑप्शन नंबर बी, थारा भाई जोगिंदर सबका भाई है इसलिए वो फेमस है इसलिए वो थारा भाई जोगिंदर कहता है. ऑप्शन नंबर सी ये रहा कि वो गोरिल्ला है, वो हमेशा अपना सीना पिट पिट कर गोरिल्ला के जैसा ये करते रहे ताकि वो सबके भाई बन जाए और जानवरों में यानी कि लोग उसको जानवरों की तरह प्यार करें इसलिए वो थारा भाई जोगिंदर फेमस है. ऑप्शन नंबर डी ये रहा कि वो बस एक चूतिया है और सोशल मीडिया पर चूतिया के फैलाते हैं. कमेंट करके नीचे बताएं कि थारा भाई जोगिंदर का टैलेंट क्या है. सो गाइस नीचे कमेंट में बताओ कि थारा भाई जोगिंदर का टैलेंट क्या है. नीचे कमेंट करके बताओ. जोगिंदर भाई एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई कि तुम्हारे पास अभी रीच आ चुका है 1.5 लाख के करीब. इंस्टाग्राम पे तुम्हारा अभी फॉलोवर्स है और यूट्यूब पे भी बहुत अभी आ चुका है. तो यार ये सब चुतियाप्पा छोड़ो और अच्छे वीडियो बनाओ, समझे? ये मत समझो कि एक छोटा यूट्यूबर तुमको ये एडवाइस दे रहा है. सब्सक्राइबर बेस में तुमसे छोटा हूँ, दिमाग में तुमसे ज़्यादा हूँ, समझे कि नहीं? यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार.
जानता हूँ छोटा है, यूट्यूबर हूँ, बड़ा बनूंगा तब अच्छे लाऊंगा। और सब्सक्राइब करते हैं, अपलोड जैसे सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब।